नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज एक नए टॉपिक पे बात करनी थी कि अभी मैं कुछ सर्च कर रहा था बैठे बैठे, तो एक चीज मेरे सामने आई और सामने भी लाइव लाइव मेरे पास एक सिस्टम आया जिसको एविडेंस बोल सकते हो। तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं, आपने भी देखा होगा या आपके साथ हो सकता है ये घटना घटी होगी कि आपने कहीं पर भी अप्लाई किया, तुरंत आपका वीजा लग जाता है पासपोर्ट में। ये कैसे होता है भाई? सोचने की बात है ना कि आप मान लीजिए कुवैत की मान लीजिए या गल्फ की मान लीजिए, कोई भी कंट्री का आज आप अप्लाई करते हो, आपको तुरंत वीजा मिल जाता है 15 से 20 दिन में। ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें आप उनको जानते तक नहीं हो, वो आपको वीजा दे देते हैं बिना पैसे? समझ में नहीं है ये बातें। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा, एजेंट आपका वीजा बिना पैसे कैसे लगवा देते हैं, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। मैं ध्यान रखें, ये वीडियो सब एजेंटों के बारे में नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए है जो इन सिस्टम से शिकार हो चुके हैं या फिर होने के कगार पे हो सकते हैं या उनको पता नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। सब एजेंट एक जैसे होंगे तो भाई लोग फिर विदेश जाना ही छोड़ देंगे, नहीं जा पाएंगे। सब 5 अंगुली हैं, 5 बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। दो टॉपिक पे आज बात करूंगा साथियों। आप मान लीजिए आपने कहीं पर भी अप्लाई किया, किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपने कहीं से कांटेक्ट किया, वो अगले ने आपको क्या बोला, क्या आपको बड़े ख्वाब दिखाए, क्या सपने दिखाए, क्या कम पैसे में आपको वो वीजा दे रहा है, आपको लालच आ जाता है। हाँ यार, एग्जांपल के तौर पे दुबई का मान लो कि वो कोई आपसे 80,000 90,000 मांग रहा है, 70,000 मांग रहा है, कोई बोलता है सर मैं 40,000 में वहां मेरे को वीजा मिल रहा है, तनख्वाह उससे ज्यादा होती है, नोट करने की बात है, एडवांस कोई पैसा नहीं लेते, कोई मेडिकल नहीं करवाते, पासपोर्ट हो सकता है ले सकते हैं पासपोर्ट, या कई बार पासपोर्ट भी नहीं लेते, फिर भी आपको वीजा वो दे देते हैं, आपको वीजा की फोटोकॉपी शो कर देते हैं, ये देखिए आपका वीजा है उसको, या आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं कि ये आपका वीजा की कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं। आप उस वीजा को देख के खुश हो जाते हो, यार अपना वीजा आ गया, उसको चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वीजा आ गया, अगला आपको संतुष्ट कर देता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, हो सकता है आपके साथ में, कि पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ आपको शो कर सकते हैं, पासपोर्ट पे वीजा लगा के आपको दिखा दिया, आपको फोटोकॉपी सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे कि सर आपका वीजा लग चुका है, आप पेमेंट डाल दीजिए। दोनों ही सूरत में आपको लगेगा कि हाँ भाई वीजा आ चुका है, तो फिर आपकी जैसे 40-50 जितने भी बात हुई है वो पैसा उसको हैंड टू हैंड देंगे या फिर उनके अकाउंट में डालोगे। ठीक है साथियों, ये यहां तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपको पता है इस बात का? अगर आप अप्लाई कहीं पर भी कर रहे हैं तो इसको सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बातें हैं। हालांकि सब एजेंट ऐसा नहीं करते, बहुत कम चांस में ऐसा हो जाता है, मेरे सामने अभी ऐसा कुछ हुआ इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि जो आदमी आपको बिना कुछ दिए आपको वीजा दे रहा है, आपको 15-20 दिन में वीजा दे रहा है, कम पैसे में दे रहा है, आपको वीजा की फोटोकॉपी सेंड कर रहा है या आपको वीजा लगा हुआ सेंड कर रहा है, तो उसको नोट करने की बात है। जी हाँ, वो वीजा नकली हो सकता है। जी, नकली कैसे हो सकता है मैं बता दूं कि कोई भी किसी का भी वीजा होता है, आपको नहीं पता होगा आजकल सोशल मीडिया जितनी अच्छी है ना, उससे उसको अगर दुरुपयोग किया जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा बुरी है। और जो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, हर चीज का स्कैन होता है, सेम आपका फोटो, आपका वीजा नंबर, आपका पासपोर्ट, आपकी ड्राइवर, टोटल का टोटल आपकी कॉपी रहेगी, सेम टू सेम आपका वीजा लगेगा आपको कि हाँ आपका वीजा है। वो वीजा दिखा के आपको ऑफिस में बुला के आपसे पैसा ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा, आपके पासपोर्ट में भी स्टिकर लग सकता है। भाई आपको एग्जांपल के तौर पे 2,000 का नोट नकली छप सकता है ना, आपको सबको पता है छपता है, पहले 1,000 का छपता था, आजकल 2,000 के नकली नोट छपते हैं, 500 के छपते हैं, तो यार वीजा का स्टिकर क्यों नहीं छपता? सोचने की बात है ना, छप सकता है, हर चीज का स्कैनिंग प्रिंटिंग होते है इतनी हाई क्वालिटी के कि वो सेम टू सेम बना देते हैं इंसान को। स्टिकर निकाला, पासपोर्ट पे लगाया, आपको दिखाया, आपको देते नहीं आपको दिखा देते हैं आपको, हाँ भाई वीजा लग गया मेरा, आप खुश हो जाते हो। आपने कहीं से उधार पे ब्याज पे पैसे लिए, उसको फोन करते हो सर मेरा वीजा आ गया मुझे पैसे दीजिए, फिर पैसा उठा के आप उसको दे देते हो। दोनों ही सूरतों में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना। आपको वीजा वो कैसे दे देते हैं मैं बताऊं आपको, हकीकत यही है कि सेम टू सेम वो कॉपी बना देते हैं स्कैन करके, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वीजा असली है नकली है, हाथ में दे देते हैं, पन्ने को आप डाल के जेब में डाल लेते हो, वीजा आ गया आपने पैसे दे दिए, या फिर आपके पासपोर्ट में स्टिकर लगा दिया आपने पैसे दे दिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपके साथ कोई आप वीजा ले रहे हो, आपको अगर आपका एजेंट जानकार है तो कोई इश्यू नहीं होता,
आपका पड़ोसी है तो कोई इश्यू नहीं होता, ये तो भैया ऑनलाइन होते हैं, दूर बैठे होते हैं हजारों किलोमीटर, आपको उसका अता पता नहीं होता है, सोशल मीडिया से आपका कॉन्टेक्ट होता है, तो वहां एक ठगी हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। और इसमें जब भी आपका वीजा आए तो उनको चेक कर लें, मैन इसका फंडा यही भाई, चेक कर लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये एजेंट सही भी बहुत होते हैं, गलत भी बहुत होते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे को एक वीडियो मिला तो मैं आपको ऐड भी कर दूंगा, उस वीडियो में साफ साफ लिखा है कि कलकत्ता के बंदों के बॉम्बे में फर्जी वीजा लग गए, ठीक है, फर्जी वीजा लगा के 40-40 हज़ार रुपये उठा लिए, फिर उसको किसी दूसरे ने पकड़ा, तो एक मतलब ऐसा हो सकता है आपके साथ, यार मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं ये, थोड़ा सा सिर्फ जब भी आपका वीजा है आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर चेक करना आता है तो ऑनलाइन चेक करें, अपना कोई जानकार है उनसे आप चेक करा सकते हैं भाई, या मेरे से अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं तो मैं भी आपका वीजा किसी भी कंट्री का हो चेक करके बता सकता हूँ कि इसमें कितनी ओरिजिनलिटी है कितनी, क्योंकि फेक वीजा यार आपको पता है कभी चेक नहीं होता, समझ रहे हो बात को, उसका उसका एक टाइम लिमिट टाइम होता है, कितना कि उसको वीजा आपको दिखाया आपसे पैसा लेना, उतना ही लिमिट टाइम होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, वीजा भी बहुत जल्द लग जाते हैं, कम पैसे में भी लग जाते हैं, लेकिन वो नकली भी हो सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर आप वीजा लगवा रहे हैं, वीजा लग भी जाता है अच्छी बात है, उसको चेक कर लें ऑनलाइन या फिर जिस कंपनी का है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं चेक करने के, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा दें, ताकि हर रोज इसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे।